very big cause, and as we all are seeing, the youth of Hind Yuva Foundation have organized an awareness campaign for the people. So now let us talk to Sarjun. Now getting back to the guy who is holding the mic over here, and he's constantly making the people aware about what is this and why is India a country which has been suffering from child labor. As we say, if we expect children, they are the future of our country, so it is our firm duty to look after it. So now let us talk to Mr. Sushil Sonthal and let us know his views regarding this. जी, आज का जो कार्यक्रम है हमारे एनजीओ हिंद युवा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, और आज के दिन जो चिल्ड्रन डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हमने इसके लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें किसी न किसी कारणवश इस गंदगी में, इस दलदल में धकेला जा रहा है, चाइल्ड लेबर के लिए बाल श्रम करवाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया है। आज के दिन जो बाकी बच्चे कहीं किसी स्कूल पिकनिक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंजॉय करते होंगे, लेकिन हमारे समाज का दूसरा पहलू ये भी है कि वही 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी होटल किसी कमर्शियल एरिया में काम करते हैं। इसीलिए हमने ये आज का दिन आवाज उठाया है सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए, कि जिससे कि चाइल्ड लेबर्स के लिए लोग जागरूक हो, उन्हें भी बताएं कि बच्चों का क्या अधिकार है, और हमें किस तरीके से जो छोटे बच्चे जिनके आंखों में सपना कुछ कल गुजरने का है, जिनके कंधों पे हमारा देश का भविष्य है, उन बच्चों को किस तरीके से हम इस दलदल से निकाल के और उनकी सही जगह जहाँ स्कूल कॉलेज और जहाँ प्लेग्राउंड्स में है वहाँ पे पहुँचाए। इसलिए हमारे इस एनजीओ ने यह पीड़ा उठाया है, और हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे जो कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि हिंद युवा के साथ जुड़िए, और हमारा जो यह कार्यक्रम है इसे अपने मकाम तक पहुँचाइए। हमारा कार्यक्रम हम उस दिन सही मानेंगे जिस दिन हम ज्यादा बात ना करके यही कहेंगे कि अगर एक बच्चा भी अपने सही जगह पे स्कूल में पहुंच जाए, या जहां वो जाना चाहता है, जैसा वो करना चाहता है, उस मकसद तक अगर पहुंच जाए, तो हमारा यह कार्यक्रम सफल होगा। Foundation for this work, and to publicize it a bit more, they are been carrying rallies to show their protest in various parts of Mira Road. From here they will start till the end, and they will work for it. So anything, anywhere you see, please contact us, please contact them, and let us make together this world a better place.